बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गोंदल। आज 10 अप्रैल साल 2022 गैर मुल्की साजिश के जरिए इमरान खान की हुकूमत का खात्मा और शहबाज शरीफ को तख्त नशीन करने की कोशिशों के खिलाफ दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी सरापा एहतजाज हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जनरल बाजवा इस वक्त अवामी एहतजाज के निशाने पर हैं। लंदन में नवाज शरीफ का घेराव किया गया है और दुबई के अंदर पहली मर्तबा हजारों की तादाद में पाकिस्तान सड़कों पर निकले हैं। शहर शहर पाकिस्तान के अंदर भी एहतजाज हो रहा है। कल कौमी असम्बली के अंदर क्या दंगल होने जा रहा है, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप सवाल करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। पहले भी जो वज़ीरे आज़म हैं उन्होंने अपना टन्योर कभी पाकिस्तान में पूरा नहीं किया, लेकिन जो रद्दे अमल इस मर्तबा देखने में आ रहा है पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर, ये रद्दे अमल देखने को नहीं मिला। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि अमरीकी एक मुबैना साजिश के साथ इमरान खान को तख्त से हटाना और फिर 16 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्ज़म को वज़ीरे आज़म की कुर्सी पर बिठाना और फिर उस दिन बिठाना जब उसके लिए फर्द जुर्म की कार्रवाई लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के अंदर होनी है, इस पर पाकिस्तानी अवाम बड़ी गुस्से के अंदर है। और पाकिस्तान के शहर शहर के अंदर तो एहतजाज हो ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लंदन, ग्लासगो, बरतानिया के कई शहरों के अंदर, हत्ता के लंदन के कई मकामात के अंदर एहतजाज हो रहा है। अमरीका, कैनेडा, दुबई के अंदर पहली मरतबा हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं। हालांकि अरब मुल्कों के अंदर एहतजाज पर पाबंदी होती है, इसके बावजूद लोगों ने एहतजाज किया है और इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर के नारे लगाए हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की करप्शन के पर्दे चाक करने की कोशिश की गई है और इसके साथ ही जो इस वक्त डेवलपमेंट्स आ रही हैं उनके मुताबिक कैनेडा के अंदर और ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। सैकड़ों की तादाद के अंदर ख़वातीन हज़रात निकले हैं। यूरोप के दीगर ममालक के अंदर स्पेन, फ्रांस, ब्राज़ील और ममालक के अंदर भी इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि किसी भी पाकिस्तानी हुक्मरान के हटने के बाद उसकी हमायत के अंदर ये सबसे बड़ा एक पाकिस्तानियों का अवामी सतह पर रद्द अमल है। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान के शहर शहर के अंदर भी एहतजाज शुरू हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि लंदन से नवाज शरीफ का हाइड पार्क के सामने, आपको इल्म है उनकी रहायशगाह है, उसके सामने हजारों की तादाद के अंदर नहीं तो कम से कम सैकड़ों की तादाद के अंदर वहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग वो जमा हो चुके हैं। एक दर्जन मुस्लिम लीग नून के लोग भी वहां पर सामने सिक्योरिटी के फरायज सर अंजाम दे रहे हैं और लंदन पुलिस ने बाकायदा ये अलर्ट जारी किया है कि लंदन भर में मुतअद्दद एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। एहतजाज की वजह से लैम्बेथ और वॉक्सहॉल पुल बंद हैं, जिसकी वजह से हमारे काम मुतासर हो रहा है। ये बाकायदा तौर पर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर एहतजाज हो रहा है। तो दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी जहाँ पर मुकीम है वो एहतजाज जारी है और नारा एक ही है कि भाई आपने इमरान खान ने जो नवाज शरीफ था वो तो कहता था मुझे क्यों निकाला, लेकिन इमरान खान बता रहा है कि मुझे इसलिए निकाला। और निकालने से पहले जिस तरीके से पाकिस्तानी इदारों का एक मुबैना किरदार सामने आया है और जिस तरह गैर मुल्की एक साजिश और खत को इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि वो सामने आए, और अब इसी वजह से अवामी एहतजाज के निशाने पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं कि रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं। एक दिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिन 12 दिन इतवार के दिन खुलती है, लेकिन यहां पर 52,000 से ज्यादा मुकदमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। हाई कोर्ट्स के अंदर हजारों की तादाद नहीं बल्कि लाखों की तादाद के अंदर इस वक्त मुकदमात हैं। 22 लाख के करीब पूरे पाकिस्तान की अदालतों के अंदर ये जो है वो इस वक्त केसेस पड़े हुए हैं। लोग धक्के खा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। जेलों के अंदर नाजायज सजाएं भुगत रहे हैं, लेकिन उनके केसेस की बारी नहीं आती। आम पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम इस मुल्क के अंदर रुल गई है और दूसरी तरफ आइन और जमहूरियत के लिबादे के अंदर कौमी करप्ट लोगों के टोले को मुसल्लत करने के लिए जिस तरह एक मुसलसल चंद महीनों के अंदर माहौल साजी की गई और उस माहौल साजी के नतीजे के अंदर
बिलाकर एक चंद लोगों को इधर उधर किया गया और फिर ये बाकायदा अदम एतमाद कामयाब हुई। पाकिस्तानी क्यों एहतजाज कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये रूटीन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद होती तो यकीनन ये एक जो है वो लीगल प्रोसेस था, कोई मसला नहीं था। जमहूरियत के अंदर हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन इस मुल्क का जो वजीर आजम इमरान खान था वो मिलिट्री लीडरशिप से लेकर अदलिया तक सबको दुहाइयां देता रहा, वो सबको पुकारता रहा कि ये जो खत है, ये जो मरासला है, इसको एक मरतबा देख तो लीजिए, इसको देखने के बाद फैसला कर लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस साहब ने और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने उसको देखना गवारा नहीं किया। और कल जब शहर इख्तदार के अंदर बाकायदा तौर पर अदालतें रात को खुली हुई और आज लोग पुकार रहे हैं कि क्या वजह है कि ये जहां पर शरीफों, जरदारियों और बड़े लोगों को आपने जो रिलीफ देना होता है उस वक्त तो आप माहौल भी बनाते हैं, आप एक्टिव भी होते हैं, उसको आइन का उन्वान देते हैं, उसको आप जमहूरियत के लिबादे के अंदर अपने अल्फाज को पहनावा देते हैं, उस वक्त वकला तंजीमों के चंद रहनुमा मुतारक होते हैं, मीडिया के अंदर मखसूस लोग मुतारक होते हैं, एक बयानिया बनाया जाता है। लेकिन आज वो चीफ जस्टिस साहब कहाँ हैं, आज वो मुअज्जज जजेस कहाँ हैं? और ये कोई उनकी मुखालफत नहीं कर रहे, ना उनके खिलाफ मैं कंपेन की बात कर रहा हूं, लेकिन एक असूली पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मैं भी ये बात कर रहा हूं। आज रात 12 बजे अदालत क्यों नहीं लगी? आज क्या वो 14 मॉडल टाउन के अंदर शोधा उनकी जानों की कीमत से ज्यादा एक दिन अदलिया का लेट हो जाना, क्या उसकी कीमत वो कम सी 14 लोगों से? वो सान्या बल्दिया टाउन हो, जितने बड़े सान्यात हुए और फिर इंसाफ का रोज इस मुल्क के अंदर जो कत्लेआम होता है, आम आदमी जिस तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी हैं वो इसी ग्राउंड पर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह की और यही वजह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, हालांकि उनकी बड़ी अच्छी शोहरत थी और फिर चीफ जो जनरल बाजवा है उनको इस वक्त लोगों ने निशाने पर लिया हुआ है। यकीनी तौर पर इदारों का वादे मौकफ जो है वो लाने की अवाम के सामने जरूरत है कि कभी भी जो फौज है, अगर अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा होती है तो उसका फायदा अब पाकिस्तान का दुश्मन भारत भी उठा रहा है। और मैंने एक चैनल पर देखा है कि एक फेक जाली ऑडियो को चलाकर इस तरह अवाम और फौज को लड़ाने की कोशिश हो रही है। इस पर भी हमने अपनी आंखें खुली रखनी है, हमने इदारे को टारगेट नहीं करना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तानी कौम को, लेकिन इदारों के अंदर बैठे हुए अगर चंद इंडिविजुअल जिनको पहले जितनी गालियां निकाली गई वो सारे गालियां निकालने वालों को उन लोगों ने नवाजा है, तो यकीनी तौर पर गालियां मत निकालिए। असूली इख्तलाफ, जमहूरी इख्तलाफ, ये हर पाकिस्तानी का हक हासिल है। और ये जिस तरह इंसाफ के नाम पर कभी नवाज शरीफ को लंदन भेजा जाता है, कभी NRO 1 दिया जाता है, कभी NRO 2 दिया जाता है, और फिर अब तो बाकायदा धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। नून लीग के सहाफी भी धमकियां दे रहे हैं और वो कहते हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं कि जो भी इमरान खान की और पाकिस्तान के मफाद के और पाकिस्तान के हक में बोलेगा उसकी खैर नहीं है। ये आप लाखों करोड़ों लोगों को आप जेलों में डालेंगे या आप उन सवालों के जवाब इस कौम को देंगे कि आखिर क्या वजह थी कि वो खत जो है वो नहीं दिखाया गया? अगर दिखाया जाता आप कन्विंस हो जाते, कन्विंस ना होते आवाम को बता देते कि भाई ये मामलात हैं, ये हमारी मजबूरियां हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है। लंदन के अंदर नवाज शरीफ की जायदाद जो है जहां उन्होंने बनाई हुई है और वो जो घर है उसके सामने भी बड़ी तादाद के अंदर लोग जमा है। शयान अली ने वहां पर एक तारीखी गुफ्तगू भी की है जिसे चंद दिन पहले नवाज शरीफ के गार्ड जो है उन्होंने वहां पर तशद्दद किया था। इस तरादर के अंदर पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है और अब जो है यहां पर पाकिस्तान के शहर शहर के अंदर हजारों लोग, मैं देख रहा हूं सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में, पंजाब के हर जिले के अंदर और मुख्तलिफ मकामात पर और खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस वक्त सड़कों पर निकल चुके हैं और उनका एक ही बात है कि भाई आपने एक अहल और ईमानदार आदमी को जिसने करप्शन नहीं की, जो कौमी वकार और गैरत की बात कर रहा था, उसको क्यों निकालने की कोशिश की? एक गैर मुल्की साजिश के आलाकार कौन बना? वो किरदार इस कौम के सामने आने चाहिए। तो इस वक्त लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पिशावर हो,
क्वेटा हो, कराची हो, बल्कि कराची के अंदर जो है मैं समझता हूं तसादम और इस तरह की कशीदगी से हमें परहेज करना पड़ेगा। नून लीग के चंद लोग वहां पर कराची में जो है वो जश्न मनाने के लिए निकले, लेकिन आम आवाम, आम पब्लिक, पीटीआई नहीं, आम लोग निकल कर उन्होंने उनकी रैली को खत्म करवाया कि आप ये इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क के अंदर आप खड़े हो सके बगैर हुकूमत की टेक के। तो अब जहर सारे मॉडल टाउन बपा करने वालों की हुकूमत होगी। और कल कौमी असम्बली के अंदर वजीर आजम इमरान खान खुद जा रहे हैं, एक बड़ा दंगल जो है वो लगने जा रहा है। पीटीआई की पार्लिमानी जो कमेटी है उसका एक जो इजलास है जो आज रात 9 बजे होना था वो अब कल 12 बजे कौमी असम्बली के अंदर होगा। इमरान खान खुद वहां पर मौजूद होंगे। कुछ लोग कहते थे कि इमरान खान को कोई अजीब किस्म की स्टोरी है, पहले ये स्टोरी छोड़ी गई कि वो एनआरओ मांग रहे हैं, फिर ये स्टोरी आई उन पर तशद्दुद किया है किसी फौजियों ने और फिर वो माने हैं, फिर कहा गया जनाब दो बंदे उतरे हैं आर्मी चीफ और DGISI, उन्होंने कहा है आपकी खैर नहीं है। हालांकि वो दोनों जो है अब कंफर्म खबरें आई हैं कि वो आर्मी चीफ रात को और DGISI वो नहीं आए थे, यानी आर्मी चीफ तो नहीं आए थे वजीर आजम हाउस के अंदर, और ये खबर जो है वो गलत निकली है और ना ही इमरान खान को इस तरीके से डराया जा सकता है। लेकिन इस्तीफों के मामले के अंदर ये बात जो फैलाई जा रही है कि PTI के अंदर इख्तलाफ है वो इख्तलाफ राय है, ये बात नहीं है कि इस्तीफों का फैसला होगा तो सारे नहीं देंगे। लेकिन मैं भी उन्हीं लोगों का हामी हूं जो कहते हैं कि इस्तीफे देकर इन लोगों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनका प्लान और मंसूबा ये है कि किसी तरीके से ग्राउंड खाली हो, ये इलेक्शन करवाएं, दो तिहाई अक्सरियत बनाएं, उसके बाद इमरान खान को हमेशा के लिए सियासत से आउट करने की कोशिश करें, इमरान खान की पार्टी टूटे और इस मोमेंटम के अंदर अगर अवामी सतह पर एहतजाज रहे और असेंबली के अंदर भी लोग बैठे रहें तो एक तो किसी को गिरफ्तार करना नाजायज तशद्दुद करने की जरूरत नहीं होगी, टफ टाइम दिया जाएगा और ये जो बैरूनी एजेंडा है मुबैना तौर पर जो अमरीकी साजिश है पाकिस्तानी अवाम उसको पुरामन और जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए कुचल कर रख देगी। आज जिस तरह पाकिस्तानी कौम निकली है और ओवरसीज पाकिस्तानी ने दुबई के अंदर जिस तरह का रद्द अमल आया है, मैं खुद हैरान हूं कि ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, बड़ी तब्दीली है। लेकिन देखना यह है कि मुस्तकिल आप चुके बुध के रोज इमरान खान अपनी अवामी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं, पिशावर के अंदर बड़ा जलसा आम होगा और उससे मुल्क भर के अंदर जो जलसे हैं उनका आगाज हो जाएगा। तो हुकूमत अगर बन भी जाती है तो हुकूमत क्या करेगी, केसेस बनाएगी, लोगों को जेलों में डालेगी, मुख्तलिफ तरह के पर्चे करवाएगी, लेकिन कितने लाख लोगों को जेलों के अंदर रोका जाएगा, क्योंकि ये इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, ये पाकिस्तानी अवाम का नारा बन चुका है। जबरदस्ती की हुक्मरानी ज्यादा अरसा पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेगी और अवाम जमहूरी तरीके से अपनी जिद्दोजहद के जरिए इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।